गोविंद सिंह जी माफी नहीं मांग रहे। अच्छा, कमलनाथ जी भी अजब गजब हैं, नायकों का अपमान करते हैं क्योंकि उनको केवल एक खानदान दिख। अब कांग्रेस में बड़ा नेता बनने के लिए होड़ लगी हुई है। अच्छा, कोई तो ऐसे बयान देता है कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम्स की संख्या देश में कम हो रही। कमलनाथ जी को ये लगता है कि कहीं वो छोटे ना रह जाए। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। देश की राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज हमने दो फैसले और किए हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान जुआ अधिनियम 1876 का है। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग जो होती है, जो बड़ी समस्या बन गई है, उसके विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे ताकि ऐसे अपराधियों को भी हम दंडित कर सकें। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, और जो इन्वेस्टर है जिनने पैसा लगाया है उनके पैसे लौटाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में ADG की अध्यक्षता में एक विशेष सेल का गठन किया जा रहा है ताकि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो और जिनने पैसा लगाया उनका पैसा वापस भी दिलाया जा सके। मित्रों, ये अत्यंत शर्मनाक है कि रानी कमलापति जी के बारे में अपमानजनक बयान देने के बाद श्री गोविंद सिंह जी माफी नहीं मांग रहे बल्कि फिर ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी भी अजब गजब हैं। वो भी गोविंद सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा फर्जी नाम ढूंढ ढूंढ के ला रही है। रानी कमलापति जी लाखों लाख हमारे भाई बहनों की, केवल जनजातियों की नहीं, मध्य प्रदेश के नागरिकों की श्रद्धा की केंद्र है। कांग्रेस के मानसिकता देखिए कि पहले तो वो हमारे श्रद्धा केंद्रों का और विशेषकर जनजाति नायकों का, आदिवासी नायकों का अपमान करते हैं क्योंकि उनको केवल एक खानदान दिखती है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, पर बाद में बेशर्मी से माननीय कमलनाथ जी भी बचाव कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि अब मैं बड़ा नेता बन गया, टक्कर में आ गया। क्या बड़ा नेता बनने के लिए ऊटपटांग बयान दिए जाएंगे? क्या टक्कर में आने का यही तरीका है? अब कांग्रेस में बड़ा नेता बनने के लिए होड़ लगी हुई है, और बड़ा कैसे बने? कोई विधानसभा में झूठ बोलता है और निलंबित हो जाता है, कोई विधानसभा में नियमावली फाड़ देता है और बड़ा बनने की कोशिश करता है, कोई दिव्यांग को मारता है और बड़ा बनने की कोशिश करता है। अच्छा, कोई तो ऐसे बयान देता है कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम्स की संख्या देश में कम हो रही है, कि ये भी बड़ा नेता बनने के लिए कर रहे हैं। और कमलनाथ जी को ये लगता है कि कहीं वो छोटे ना रह जाएं, इसलिए बड़े मियाँ तो छोटे मियाँ, तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह।
वो खाते गांव में जाके बयान देते हैं कि खाते गांव के मतदाता नशे में है, और नशे में क्यों बोले, वो लगातार बीजेपी को जिता रहे हैं, नशे में है। कि ये जनता का अपमान नहीं है, कि ये मतदाताओं का अपमान नहीं है। और नशे में जनता को कहने वाले क्या खुद नशे में नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं? ये जनता के प्रति इनकी सोच है। कांग्रेस की अंतरकलह और गुटबाजी में एक दूसरे को छोटा बनाने के लिए ऊट पटांग बयान देने का अभियान चला हुआ है। प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।